बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने पीटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच का आदेश दिया है। रविवार 8 मई को बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पेपर देकर बाहर आए छात्रों को जब इसका पता चला तो उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, कुछ छात्रों का ये भी आरोप है कि इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। उनका कहना है कई सेंटर्स पर परीक्षा तय समय से पहले ही शुरू हो गई। देखते देखते मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीपीएससी ने पूरे मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यों की कमेटी बना दी जो अगले 24 घंटों में अपनी रिपोर्ट देगी। आज तक से मिली जानकारी के मुताबिक बीपीएससी की पीटी परीक्षा के सेट सी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इस परीक्षा में देश भर से करीब 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक होने की खबर आरा जिले से भी सामने आई। यहाँ कुंवर सिंह कॉलेज में परीक्षा का सेंटर था। इस सेंटर पर पेपर देने आए छात्रों का आरोप है कि उन्हें यह बताया गया कि उनकी परीक्षा देरी से शुरू होगी, लेकिन परीक्षा केंद्र के ही 2 कमरों में तय समय से पहले दरवाजा बंद कर परीक्षा शुरू कर दी गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कुछ अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर परीक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल भी किया है। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर हंगामा कर दिया। जानते हैं इस मामले में प्रशासन का क्या कहना है। मामले को बढ़ता देख जिले के डीएम ने छात्रों को शांत कराया। भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा, परीक्षा में जिन भी अभ्यर्थियों को दिक्कत है वे अपनी शिकायतें लिखकर उन्हें दे सकते हैं। वे सभी शिकायतों को बीपीएससी तक पहुंचा देंगे। आगे का फैसला आयोग ही लेगा। इसके अलावा उन्हें इस मामले में और कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस घटना पर विपक्ष ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार के करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। बीपीएससी के अध्यक्ष आर के महाजन ने कहा कि पेपर लीक की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। महाजन का कहना है कि जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आयोग परीक्षा को लेकर कोई फैसला लेगा। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।